कि भाई चुनाव खत्म करो, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च होता है कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो गायब है वो कहाँ गया, जो ईवीएम मशीन टूट गई है रिपेयरिंग के लिए गया है वो कहाँ गया। और करोगे और नहीं करोगे तो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और आपका चुनाव पे जो है बंदिश हो जाएगा। ये हर पार्टी कहे ना है ताकत, जंतर मंतर पे जहाँ जनता आवाज उठाती है। ईवीएम को सरकार ने खिलौना बना दिया है, ईवीएम को लोगों ने जो है जनता के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ईवीएम के मार्फत से अगर इनको सरकार बनानी है और माफिया और मीडिया और ये जो मनी 3M माफिया मीडिया और ये जो है ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, ये तमाम लोगों ने जिस तरह से ईवीएम के सहारे देश को गुमराह कर करके जनता के अधिकारों को छीन करके और सरकार बना लेती है, तो मुझे पूछना है सरकार से कि भाई चुनाव खत्म करो, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में। हम लोग जो है लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार लोकतंत्र को अपने पॉकेट में रखेगा, अपनी मरमर्जी करेगा। चुनाव आयोग पे अब आपका विश्वास नहीं रहा? कहाँ रहा, हमें तो विश्वास था चंचूर साहब पे भी, हमें CGI पे भी विश्वास था, उन्होंने भी, उनको भी बड़ा पैकेट मिल गया। मैं न्यायपालिका के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, मैं न्याय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज ना न्यायपालिका रहा, ना हमारा चुनाव आयोग रहा, ना ED रहा, ना इनकम टैक्स रहा, ना CBI रहा, ना हमारा मीडिया है। ये सब के सब जनता का जनता को शोषण करने वाले और सरकार के पट्टों बन गया है। और इसीलिए आज वकीलों को और हमारे जनता को हमारे जंतर मंतर पे आके कहना पड़ रहा है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लोग सबूत देना चाहते हैं, मानने को तैयार नहीं है। मैं इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो गायब है वो कहां गया, जो ईवीएम मशीन टूट गई है रिपेयरिंग के लिए गया है वो कहां गया, तो ये जवाब नहीं देते। और इसीलिए कहा ईवीएम में दिक्कत यह है कि ये मनमर्जी अपने तरीके से, मैं मानता हूं कि उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है और चिप नहीं है, लेकिन ये मनमर्जी उसमें सेटिंग करते हैं, ईवीएम की चोरी करते हैं और जहां पे स्टोर रूम में होता है वहां पे वो ईवीएम मशीन को बदल देते हैं। मेरा मांग है कि अगर ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो उसके अंदर पर्ची भी होना चाहिए, जिस तरह से हमारा मॉल में, हमारा मेट्रो में हमें QR कोड मिलता है, आप उस तरह से पर्ची का उसमें व्यवस्था कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इलेक्शन कमीशन जो एक NGO है, लेकिन वो सरकार के पक्ष में जा कर करके वो आवाज़ देती है, वो काम करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जनता के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, बाबा अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, हमें संविधान दिया, संविधान को इन लोगों ने तार तार कर दिया है, संविधान को इन लोगों ने बेच दिया है, संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। और जब संविधान ही ना रहा तो हमारा लोकतंत्र कहां रहेगा, और जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश कहां होगा। तो देश आज इन लोगों ने अपने बपौती बना दिया है। लेकिन मोदी जी जब विदेश जाते हैं तब तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से आया हूँ, वहाँ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यही दोगलापन है कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के धरती से आया हूँ, ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भारत के अंदर मानवाधिकार है, ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद नफरत की राजनीति नहीं होती, लेकिन जब देश में रहते हैं तो सिर्फ इनको सिर्फ मंदिर नजर आता है, सिर्फ नफरत नजर आता है और मानवाधिकार नहीं दिखता। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि ये दोगलापन आप छोड़ दीजिए। अगर आप OBC के
से आते हैं, चाय बेचा है अगर आपने, तो आप ये अयोध्या के अंदर आप पुरोहित बनिए। आप यजमान क्यों बन रहे हैं? तो ये आप ईवीएम को खरीद करके, ईवीएम को अपने कब्जे में लेकर के आप 400 पार बिना चुनाव का कह रहे हैं, तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है? मेरा कहना है चुनाव की क्या जरूरत है? आप इलेक्शन कमीशन खत्म कर दो, चुनाव खत्म कर दो। जैसे चाइना के अंदर और रशिया के अंदर वो 36 साल शासन कर रहे हैं, तुम भी अपनी मर्जी करो। हम तो गुलाम 1500 साल से हैं, आज हैं, कल भी रहेंगे। हमें गुलाम रहने का एक आदत पड़ गई है, तो हमें क्या करना है? लेकिन देश के तमाम बड़े पार्टियां तो ईवीएम को लेकर के कुछ ऐसा बयान तो नहीं दे रही है ना भैया? बड़ी पार्टियां चोर चोर मसौरे भाई हैं, एक ही ताली के थच्चे बढ़ते लोग हैं। वो लोग भी नफरत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनगणना की बात नहीं कर रहे। वो लोग ईवीएम चाहते हैं कि जब मैं जीत गया तो मैं जीत गया, हार गया तो ईवीएम का जरा सा ठीकरा फोड़ दिया, तो अंगूर मिल गया तो जो है मीठा है, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। सवाल यह है कि हमारे जनता का जनता तो हमारे साथी कह तो रहे हैं कि 50 ईवीएम दो, हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, हम बता देते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना जब हम आप ईवीएम आपके पास है, 19 लाख ईवीएम गायब आपने कर दिया, 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जला दिया। अरे ला के दिखाओ, रखो जंतर मंतर पे, बताते हैं कि उसमें क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। तो वो जो पार्टियां जिनको वो बुलाते हैं वो अपने ही साथी को बुलाते हैं। वो डॉक्टर दुआ को बुलाए ना, फिर बताते हैं उनको, वो बुलाते हैं उन्हीं को जो उनके लोग हैं, उनके इर्द गिर्द और चमचे लोग हैं, जयचंद लोग हैं, उनको बुला करके और कहते हो गया। कांग्रेस और एनडीए दोनों चमचे हैं, दोनों एक ही ताली के छत्ते बटे हैं, दोनों जो है मनोवादी हैं, दोनों ने देश को लूटा है। हमें इन सब से निजात चाहिए और नौजवान और नए समीकरण के साथ हमें देश को बचाना होगा। तो क्या वो है ही सारे सब उन्हीं में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए विरोध नहीं कर रहे। देखिए जर्मन में, जापान में, इंडोनेशिया में, जिस भी देश की बात करें, जहां ईवीएम इजाद हुआ वहां पे एक जनता ने आवाज उठाया कि ईवीएम गलत है, वहां ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं भी पार्टी का एक अध्यक्ष हूँ, और मैंने कहा कि आप एफिडेविट दो, अपनी वादा जो क्या है उसकी लिखित में दो, और करोगे और नहीं करोगे तो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और आपका चुनाव पे जो है बंदिश हो जाएगा। ये हर पार्टी कहे ना, है ताकत तो कहे, आए दुआ के सामने। लेकिन ये सब चमचेगिरी जो जयचंद लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, ये जो बिके हुए लोग हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।